हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। कैसे कैसे मीडिया पेजेस हैं, मतलब ये इतनी भी शर्म नहीं करते कि आप अगर इतना झूठ छापेंगे, पता नहीं क्या क्या छापते हैं। छापने से पहले सोचते भी हैं कुछ या नहीं, ये भी नहीं सोचते कि आप बार बार झूठ छापेंगे तो कोई कितनी बार पढ़ेगा। एक ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है और आप मीडिया पेज हैं तो आपको वो चीज़ कायम रखनी चाहिए, इतने फॉलोअर्स हैं आपके। अब देखिए, बहुत सारे पेजेस हैं वैसे तो कि जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन कुछ ने हदें पार कर रखी। होता है ना, जैसे कि फेक और नेगेटिविटी छापने की भी एक सीमा होती है, वो लिमिट इन्होंने क्रॉस कर रखी है। शहनाज जब ईद पार्टी में गई थी तो गाइस पता नहीं क्या क्या छापा था, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं। और शुरुआत वहाँ से की थी जब इफ्तार पार्टी में गई थी शहनाज, और वहाँ सलमान खान भी आए थे। शहनाज इवन उनसे मिली भी नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्या क्या छापा। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे मासूम और भोले भाले लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हाँ, ये मीडिया का पेज है और ये जो छाप रहा है वो ही सच है। शहनाज इस तरह की न्यूज़ पे खुद रिएक्ट कर चुकी हैं, वो कह चुकी हैं कि भाई मुझे खुद नहीं पता होता मेरे बारे में और ये लोग छाप देते हैं, इन्हें पता होता है हमारे बारे में हमसे ज़्यादा। इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था, जो ये न्यूज़ आती रहती है उल्टी सीधी। और आपको याद है जब सिद्धार्थ और शहनाज दोनों बिग बॉस और टीटी पे गए थे तो उन्होंने कहा था करण जौहर को, सिद्धार्थ ने कहा था कि भाई मुझे मतलब इस तरह की न्यूज़ मिलती हैं कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है शहनाज से, हम दोनों नहीं मिलते हैं अब, या बहुत सारी चीज़ें कि इतनी बकवास चीज़ें छापते हैं ना ये लोग। लेकिन ऐसा है ना, जब तक इन्हें जवाब नहीं दिया जाता, ये लोग सोचते हैं कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है या इन्हें जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुआ, देखिए कार्तिक आर्यन के लिए भी इन्होंने कुछ इस तरह से ही छापा। आप सभी जानते हैं कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बहुत बड़ी हिट साबित हुई है और वो इसके लगातार प्रमोशन में लगे हुए हैं। अब भाई हिट हो गई है तो भाई कोई किसी तरह से व्यूज़ लेगा, कोई किसी तरह से नाम कमाएगा। अब उन्हें क्या है, नेगेटिव ही छाप दो। चलिए तो उन्होंने क्या लिखा, एक्सक्लूसिव हैज़ कार्तिक आर्यन हाइड हिज फी आफ्टर द रोयरिंग सक्सेस ऑफ भूल भुलैया 2। काफ़ी चालाकी का परिचय देते हुए इन्होंने हालांकि हैज लगा दिया पहले, लेकिन कार्तिक आर्यन ने बजाई दी बैंड। कहते हैं प्रमोशन हुआ है लाइफ में, इंक्रीमेंट नहीं, बेसलेस। अब मैं आपको बता दूं भाई, ये वही मीडिया पेज है जिन्होंने सबसे पहले शहनाज के बारे में उल्टा सीधा छापना शुरू किया था इफ्तार पार्टी के बाद, और इन्होंने शुरू किया और बाकी सारे लोगों ने गधों की तरह इन्हें फॉलो किया जी, क्योंकि अपना तो कुछ होता नहीं है जो एक छाप देता है। अब भले ही नेगेटिव एंगेजमेंट मिले, कुछ भी मिले, बस मिलनी चाहिए ना एंगेजमेंट, कैसे भी मिले तो वो ही काम ये करते हैं। लेकिन इन्हें इस तरह के जवाब मिलने जरूरी है ताकि इन्हें पता चले कि किसी भी सेलिब्रिटी के लिए ये कुछ भी नहीं छाप सकते, कि अगर किसी का नाम चल रहा है तो आप कुछ भी छाप दो। आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस।